अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपसे मटन चटकारा बोटी रेसिपी बता रही हूँ, जिसे हम मटन पॉपकॉर्न भी कह सकते हैं। बहुत ही करारे और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए 1/2 kg बोनलेस मटन ले रही हूँ, जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अब हम इसे मैरिनेट करते हैं। इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून और थोड़ा सा नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके अच्छे से मैं इसे मिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे जो है 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। अगर टाइम की शॉर्टेज है तो इसी टाइम पर भी आप इसे कुक कर सकते हैं। 90% तक आप जो है इसे कुक कर लीजिएगा। 1/2 कप पानी या 1 कप पानी ऐड करके इसे अच्छे से कुक कर लीजिएगा। देखिए, मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। 90% तक ये पूरी तरह से गल गया है। और देखिए, ये इतना ड्राई होना चाहिए, इसमें जो है कोई भी पानी कोई भी ग्रेवी नहीं होना चाहिए। और देखिए, गोश्त भी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ना बहुत टूट गया है और ना ही बहुत ही कच्चे हैं। ये जो है 90% तक परफेक्ट है। अब हम इसमें बाकी मसाला ऐड करते हैं। तो इसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटा हुआ काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, और साथ में ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो चिली पाउडर भी ले सकते हैं। और ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस जो है आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून जो है कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। हमने ये जो है गोश्त में भी ऐड किया था, तो इसके हिसाब से 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून काफ़ी होगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। दही ऐड करने से गोश्त जो है अच्छे से सॉफ्ट होता है अंदर से, और टेस्ट भी जो है बहुत इन्हांस करता है। और थोड़ा सा नमक, नमक भी हमने गोश्त में पहले से ऐड किया था, तो जो है नमक जो है आप देखकर ही ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ऐड करके अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। इवनली हमें जो है हर पीस में जो है अच्छे से अप्लाई करना है, अच्छे से ये कोट हो जाना चाहिए। आप चाहे तो इस स्टेज पर इसमें जो है एक अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जो है इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, और 1 कप जो है कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया था। इस तरह से दर-दर ऐसा कूट लीजिएगा, उससे जो है ये बहुत अच्छे करारे बनेंगे। आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ऐड करके अच्छे से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लेक्स ऐड करने के बाद हम जो है इसे रेस्ट पर नहीं रखेंगे, फौरन जो है हम इसे फ्राई कर लेते हैं। देखिए, मैंने अच्छे से इसे कोट कर लिया है, तो अब ये बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो बिना कॉर्नफ्लेक्स और कॉर्नफ्लोर ऐड करने से पहले आप इसे रेफ्रिजरेटर पर स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। एक एक करके मैं सारे पीसेस को ऐड कर लूँगी, जितना हो सके उतने पीसेस ही एक टाइम पर फ्राई कीजिएगा। गोश्त जो है ऑलरेडी गला हुआ है, यानी कि हमने इसे 90% तक जो है अच्छे से कुक कर लिया है। बस अब ये जो है क्रिस्पी होना चाहिए। इसके लिए हमें फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करेंगे। मकसद यही है कि ऊपर से जो है अच्छे से करारा हो जाना चाहिए, अंदर से तो ये सॉफ्ट ही रहेगा क्योंकि हमने इसमें दही भी ऐड किया था। तो इसके हिसाब से जो है अंदर से ये बहुत जूसी बनेंगे और बाहर से जो है बहुत ही करारे बनेंगे। इस तरह से मैंने सारे पीसेस को ऐड करके उलट पलट करते हुए मैं इसे फ्राई करूंगी, जब तक कि पूरी तरह से अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। बस 5 से 6 मिनट में हमारा जो है चटकारा बोटी जो है बनके तैयार हो गया है। बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप जो है गोश्त को पहले से ही कुक करके रख लीजिएगा, जब आपको ज़रूरत हो, जब आपके घर में मेहमान हो, तब अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो आपका काम जो है बहुत इजी हो जाएगा। देखिए, हमारे कबाब बनके तैयार है। इसी तरह से मैं सारे पीसेस को भी फ्राई कर लूँगी, जितना आपको ज़रूरत हो उस तरह ही आप जो है फ्राई कीजिएगा। बाकी का जो बचा है आप उसे स्टोर कर लीजिएगा। मगर एक बात याद रखें, इसमें जो है कॉर्नफ्लेक्स जो है ऐड मत कीजिएगा, अगर आप इसे स्टोर कर रहे हैं तो।
सेम मेथड से हम इस रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। बीफ को जो है इसी तरह से आप जो है पहले से कुक कर सकते हैं, लेकिन चिकन को जो है हम झटपट जो है उसी टाइम पर बना सकते हैं। गर्मा गर्म हमारा मटन चटकारा बोटी बनके तैयार है। सर्व कीजिएगा आप इस रेसिपी को मेयोनीज या केचप के साथ। इस बारिश के मौसम में एक कप चाय के साथ अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो मेरी ये गारंटी है कि आप जो है मुझे याद किए बिना नहीं रहेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारे, अंदर से सॉफ्ट और अंदर से जूसी गर्मा गर्म हमारे कबाब बनके तैयार है। आई होप कि आपको ये पसंद आए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।